नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मीनाक्षी जोशी। आंखों को दिल की जुबा कहा जाता है और इंसान खरा है या खोटा, आंखों से सब जाहिर हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि हमारी नजर और नजरिया दोनों ठीक होने चाहिए, लेकिन दुनिया का रंग दिखाने वाले इन नजरों को हम अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल हमारी लाइफ आसान तो बनाते हैं और आज के जमाने की जरूरत भी है, लेकिन बड़े हुए स्क्रीन टाइम का खामियाजा इन आंखों को ही भुगतना पड़ता है। आपने ठीक कहा अमित, ऑनलाइन स्टडीज करना, ऑनलाइन काम करना, और इस दौर में कंप्यूटर भले ही हमारा एक अच्छा साथी हो, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत बड़े हैं। स्क्रीन की तेज रोशनी से आंखों में ड्राइनेस और जलन की परेशानी होती है। ये प्रॉब्लम अगर बढ़ जाए तो आंखें लाल हो जाती है, आंखों से पानी निकलने लगता है और चश्मे का नंबर बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप डायबिटिक हैं और हाइपरटेंशन के भी शिकार हैं तो ये खतरा दोगुना है। बढ़ी हुई शुगर की वजह से आंखों में ग्लूकोमा और कम उम्र में मोतियाबिंद का भी डर रहता है। हाई बीपी की वजह से तो रेटिना परमानेंट डैमेज तक हो जाता है। अमित, बिल्कुल मीनाक्षी, अगर आंखों को बचाना है तो सबसे पहले बीपी और शुगर को भी कंट्रोल करना जरूरी होता है, और ये योग के जरिए कैसे होगा ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके मुताबिक रेगुलर योग से ना सिर्फ आंखों पर चढ़ा हाई पावर चश्मा हट सकता है, बल्कि जिनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है उनके लिए भी योग जिंदगी में नई रोशनी ला सकता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और आज यहाँ पर बहुत मेघ है, चारों तरफ खूब बरसात हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसलिए मुझे अभी ये दिया जलाने में भी थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। लेकिन कितने ही अंधेरे हो, कितने ही आंधी तूफान हो, हम आरोग्य का दिया जलाते रहेंगे। और ये तो ज्योति के बारे में अभी ज्वाला नजर आ रही है, बड़ा जबरदस्त है, हवा तेज है। तो हमने जितनी आंधी और तूफान था उतना ही ज्यादा हमने इसमें गाय का घी और कपूर डाल दिया। तो आप देख रहे हैं, ये आंधी और तूफानों के बीच में भी ऐसे दिया जलता रहना चाहिए, टकटकी लगा करके। अब जैसे सूर्य उदय भी नहीं हुआ है, तो हमने सूर्य का प्रतीक है ये दीपक, टकटकी लगा करके एक मिनट से लेकर के पांच मिनट, विशेष परिस्थितियों में दस मिनट ऐसे देखना है। और इससे बड़ी बात यह होगी, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और नजर की कमजोरी, आंखों का चश्मा नंबर, ये खत्म हो जाता है त्राटक से। तो अभी मैं बोलता हुआ भी लगातार ये त्राटक कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से आज हवा का वेग है, लगता है ये दीपक ज़्यादा देर चाहे ना जल पाए, लेकिन ऐसे एक से पाँच मिनट धीरे धीरे करके विशेष परिस्थितियों में दस मिनट तक, मीनाक्षी जी ऐसे ही करना है ये। और घर के अंदर कमरे में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आंधी तूफान का भी असर नहीं होगा। हम यहाँ ओपन एयर में कर रहे हैं जी स्वामी जी, इसलिए थोड़ा सा हमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लेकिन मैं टकटकी लगा करके अभी भी ये त्राटक कर रहा हूँ, और मुझे लगता है स्टूडियो में मीनाक्षी जी भी कर रही है। हाँ, यहाँ पर तो स्वामी जी योग है, लेकिन वहां पर तो लग रहा है कि तांडव कर रहा है। ये लो। तो अब इसको त्राटक के इस कार्यक्रम को पूरा कर लेते हैं, और आपको ये बताना चाहते हैं कि त्राटक करने से, चाहे दीपक का कर लो, चाहे सूरज का कर लो, इसको हटा लो बेटा, और अनुलोम विलोम करने से, कुछ आसन करने से, साथ ही साथ अक्षी तर्पण और अलग अलग प्रकार की आज सारी प्रक्रियाएं बताने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, एक, आंखों की रोशनी दोबारा से लौटती है, चश्मा दूर होता है। इसके लिए सबसे पहले शीर्षासन करते हैं, चलो बेटा करो, सब हमारे ब्रह्मचारी भी करो, और आप सब अनुलोम विलोम करो, सब अनुलोम विलोम करेंगे, हमारे सब ब्रह्मचारी आज पतंजलि गुरुकुलम के, ये अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन, ये इसके जबरदस्त थेरापी है, ये ट्रीटमेंट है। यहां पर
ऐसे भी बच्चे बैठे हुए हैं डायबिटीज के कारण से, किसी किसी को ऐसे जेनेटिक रीजंस के कारण से, किसी को पता ही नहीं कि क्यों रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो गया था, आंखों की नजरें कमजोर पड़ गई थी। और एक तो इंडिया टीवी से जिसको जीवन दान मिला है, डॉक्टर ने बोल दिया था घर बेच के करा लो चाहे लंग ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, 35 लाख रुपए का खर्चा है, और वो भी सक्सेसफुली होगा कि नहीं होगा वो भी आज मुझे मिल गए, बोले स्वामी जी इंडिया टीवी ना होता तो अभी तक तो मेरा घर बिक गया होता और लंग का क्या हाल होता मुझे नहीं पता। ये शीर्षासन, उसकी 75 ऑक्सीजन लेवल आ गया था, डायबिटीज बढ़ी हुई थी और शुगर के साथ बीपी भी। शीर्षासन के बाद सर्वांगासन 1 से 5 मिनट करना है। चलो बच्चों आप लोग अनुलोम विलोम लगातार करेंगे, जो शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर सकते वो अनुलोम विलोम करेंगे। ये बैठे हुए इधर बाई तरफ, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। ये अशोक कुमार है, जरा अपने एक्सपीरियंस को भी बताओ, बाकी आंखों का तो हम बता ही रहे। जिसको इंडिया टीवी से जीवन दान मिला है, इसने एक प्रोग्राम आ रहा था अपना लंग का, तो क्या क्या देखा और क्या उससे कहां तक पहुंचे अभी तक बताएंगे। सर्वांगासन जी, स्वामी जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। अपना नाम भी बताओ। मेरा नाम अशोक कुमार है सर। मैं सर 3 साल से ILD से ग्रसित हूँ। मैं मेरा ट्रीटमेंट पहले सफदरजंग इसमें एम्स में चल रहा था, उसके बाद में अभी जो सर इसमें मार्च में हमने अपना ट्रीटमेंट इसमें करवाया था, वेदांता में करवाया था, उसके बाद में अभी जस्ट वेदांता में हमारा पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और ऑक्सीजन लेवल था हमारा 70-75 चला गया था, तो मैं वेदांता डॉक्टर के पास अगेन गया था, तो उन्होंने हमको यही बोला कि अभी आपका जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम है, आप लंग्स का ट्रांसप्लांट करा लें। लंग्स ट्रांसप्लांट करा? हाँ, लंग्स ट्रांसप्लांट। तो मैंने पूछा था कि सर कितने खर्चे आएंगे, तो बोला उन्होंने 35-40 लाख के करीब आएगा। अनुलोम विलोम करो, चलो बैठ जाओ आप। और इसके लिए भी उन्होंने ये बताया सर कि ये भी श्योर नहीं है कि आपका लंग्स ट्रांसप्लांट जो है 100% सक्सेस ही करेगा, इसका सक्सेस। तो फिर ये चेंज कैसे आया आप उसको बता दें। हाँ, उसके बाद सर मैंने इंडिया टीवी पे बाबा जी का योगा देखने लगा। उस दिन 10-15 दिन पहले बाबा जी का लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम आ रहा था, उसमें हमने जो प्रोग्राम देख के सर उसको मैंने अपना घर में प्रैक्टिस करना चालू किया, और आज हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो 93-94 हो गया। ये लो 93-94 आ गया वापस, लंग ट्रांसप्लांट से तो बच गया, अभी यहाँ आ गया, अब इसका शुगर बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। और सर वो मेरा खांसी भी जो था 10 साल से चल रहा था। 10 साल से? हाँ, और मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराए, क्योर नहीं हो पाता था। अब इसको क्योर कर देंगे, कंट्रोल तो इंडिया टीवी नहीं कर दिया, इसको बचा लिया। 40 लाख खर्च करके भी जिंदगी शायद नहीं मिलती जो अशोक का शोक मिटा है। तो चलो अनुलोम विलोम बता रहे थे, बहुत आशीर्वाद अशोक सर। अदरक में अभी भी आपका 90% खांसी ठीक हो गया, मैंने आपने 90% खांसी ठीक कर लिया, क्या बात है। अदरक गोल मेथी और सर ये सीना नमक के लिए आपने बोला, जो बताते हैं इंडिया टीवी पर पूरा फॉलो कर लिया इसने। स्वामी जी ये तो बहुत ही अद्भुत केस है और चमत्कार जैसा लगता है कि योग क्या चमत्कार कर सकता है। अब जो लोग इंडिया टीवी लगातार देख रहे हैं, अरे आंख का एक रोगी बैठा उधर, जो लोग स्वामी जी इंडिया टीवी लगातार देख रहे होंगे, साथ में योग कर रहे होंगे, उन्हें वाकई में फायदा जरूर मिलेगा। किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को थोड़ा, नहीं, जो जितना करेगा उतना फायदा मिलेगा, ऐसा कहे उसको मीनाक्षी जी। जो जितना करेगा, जितनी सीरियसली करेगा, कुछ लोग सरफेस पर करते हैं खाली, कुछ डीपली करते हैं, हर चीज को बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो जितना करेंगे उतना पाएंगे। किसी को 100% रिजल्ट मिलेगा, किसी को 80, किसी को 50, शुरुआत तो हो गई है, मंजिल भी मिल जाएगी। बिल्कुल, आज तो पूरा बरसात माने ऐसी हो रही है पूरे स्वामी जी आनंद आ रहा है पूरा यहाँ आज दिल्ली और नोएडा के आसपास भी ऐसा ही हाल है। तेरे को दिखता नहीं तो ओम स्वामी जी मेरे को 2000 और दिल्ली नोएडा में भी ऐसा ही हो रहा है जी। तेरा क्या नाम है? मेरे भाई का डेट हो गया मर्डर। हाँ। उसके बाद मैं डिप्रेशन में चला गया और मुझे पागलपन हो गया, मेरा पागल, मैं पागल हो गया, पागल हो गया था। हाँ, पागल हो गया था, चलना फिरना, उसके बाद बहुत आंखों से पानी,
मैं पागलपन तो ट्रीटमेंट से आपके ये आंवला सब खाया और मेधावटी ठीक हो गया मेरा। मेधावटी खा के पागलपन ठीक कर लिया और जो रात को दिखता नहीं था वो 8-10 में दिखना मेरे को बंद हो गया। आंखों से बहुत पानी, कोई हंसा दे तो भी पानी, ये दो अब दिखने लग गया। हाँ, उसके बाद पानी, उसके बाद 8-10 बजे मुझे। स्वामी जी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है जानना भी। बोलते हैं तो क्या क्या अनुलोम विलोम किया? अनुलोम विलोम किया। और स्वामी जी, रात को दिखना बंद हो जाना ये क्या समस्या होती है और ये क्यों हो जाती है? कपाल भाती में छेद छेद रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बोलते हैं। इधर बैठ। हाँ जी, तो मैं अनुलोम विलोम 3-3 घंटा सुबह शाम किया। 3-3 घंटा तो उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ, मेरे आंखों से पानी भी आना बंद हो गया, मुझे 8-10 अभी ये अनुलोम विलोम 3-3 घंटे का इसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। क्या नाम है? राम प्रवेश यादव। राम प्रवेश यादव, कहाँ से आए हो? कैमूर बिहार से। कैमूर बिहार से, ए लो, इसके जीवन में तो बहार आ गई। बताओ, 3-3 घंटा करता था और अब ये इमोशनल होके इनकी आंखों में पानी आ रहा है या क्या? डिप्रेशन क्यों हो गया था? डिप्रेशन, ब्रदर का डेट हो गया, मर्डर हो गया था ब्रदर का, भाई का मर्डर हो गया था, दुख में है तो इतना शोक लगा इसको कि डिप्रेशन आ गया था। मैंने सोचा इतने जवान बच्चे को कैसे डिप्रेशन हो गया, तो लेकिन इसने, इस लड़के ने हौसला रखा। कैसे कैसे प्रेरणा मिली? इंडिया टीवी पे देख करके कुछ पे चलाता है। हमें बहुत खुशी है स्वामी जी, बिल्कुल डिप्रेशन दूर किया, मेधावी लोगों के जीवन में इतने पॉजिटिव बदलाव ला रहे हैं। इतनी दिक्कत आ गई थी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मैंने शोक इतना लगा कि अभी उभर के आ गए। मुझे तो अभी पता लगा, तो योगग्राम में कब से आया हुआ है? मैं 16-6 तारीख को आया था। तो यहाँ भी कोरोना है तो ठीक हो गया था? नहीं ठीक हो गया था, मुझे कोलाइटिस था 10-15 बार। पूरा शरीर देखो, स्ट्रेस तो डिप्रेशन, चिंता, तनाव, कोई शोक कैसे असर करता है? भाई के मर्डर होने के बाद इसके पूरा जीवन को ध्वस्त कर दिया एक तरह से। जी, अब वो वापस उभर रहा है बच्चा। चलो बेटा हौसला रखना, ठीक हो गया कोलाइटिस, बस एक बार लैट्रिन जाता हूँ। एक बार लैट्रिन जाता है? कितनी बार जाता था पहले? 15-20 बार। 15-20 बार जाता था। ये भी जोरदार काम कर लिया भाई, योग के जरिए स्वामी जी। चलो बेटा हौसला रखना, तो भाई इंडिया टीवी का अभिनंदन इस बात के लिए। तो नहीं, इसलिए स्वामी जी हमें भी बहुत खुशी है कि इतने पॉजिटिव बदलाव हम इन लोगों की जिंदगी में ला रहे हैं। स्वामी जी, डायबिटीज की वजह से 36-50 साल की उम्र वाले लोगों की नजर अक्सर कमजोर हो जाती है, ये केसेस बहुत ज्यादा है। ग्लूकोमा की भी एक बड़ी समस्या है, ऐसे में शुगर पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? उसका बताते हैं। डायबिटीज के कारण से, हाइपरटेंशन के कारण से आंखों पर बहुत असर आता है। डायबिटीज के कारण से आंखों के साथ साथ किडनी पर भी असर आता है, नर्वस सिस्टम पर भी। तो तुम लोग तो बेटा कठिन कठिन आसन करो और मैं सरल सरल करता हूं। तुम कठिन कठिन करो दोनों, है ना सब? तो देखो, एक साथ हम 3 काम कर रहे हैं। एक तो ये लगातार अनुलोम विलोम करो बच्चों आप लोग, और इधर कठिन आसन चल रहे हैं जो बच्चे, हम बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, रोगियों को, निरोगियों को, योगियों को एक साथ योग कराते हैं। कठिन आसन भी चल रहे हैं डायबिटीज के लिए, कम से कम ऐसे तो 10 आसन बताते हैं, 5 भी कर लें तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मंडूक आसन, शशकासन, वक्रासन, जितना कर पाए योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, और फिर अनुलोम विलोम तो करना ही पड़ेगा। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के कारण से जिनकी आंखें खराब हो रही हैं वो ठीक हो जाएंगे। ये मंडूक आसन 5 मिनट करना है, 5 मिनट ऐसे, और साथ में ही ये जलनेति और सूत्रनेति इधर चल रहा है, उधर अक्षी तर्पण चल रहा है। अक्षी तर्पण के लिए देखो उधर एक बार दिखा दो भाई विजुअल। ये पूरा आटा लगा देते हैं आंखों के चारों ओर। अब लोग घरों में भी करने लग गए सीख करके, थोड़ा सा हल्का सा वाम, बहुत ठंडा नहीं, गर्म तो बिल्कुल नहीं डालना, वाम सा, उसके अंदर फिर महात्रिफला घृत डालते हैं। ये आटे के लोट से, आटा से ये पूरा चारों तरफ एक घेरा बना दिया। उड़द का आटा प्रयोग करते हैं, उसमें लोच ज्यादा होता है। और उसके बाद इसमें अब हमारे डॉक्टर अनुराग जी, बार भगवान जी तो धरती तर्पण कर रहे हैं, धरती तर्पण हो रहा है वर्षात से, अक्षी तर्पण हम कर रहे हैं, साथ में जल नेति चल रही है, सूत्र नेति चल रही है,
तो सारे धरती तर्पण से लेके अक्षी तर्पण से लेके जल नेति और सूत्र नेति एक साथ योगासन बच्चों के लिए बड़ों के लिए और साथ में ही मंडूकासन और ये शशकासन डायबिटीज के लिए जो आप पूछ रहे हो। मंडूकासन, शशकासन, फिर वक्रासन, ये जो एक एक आसन पांच पांच मिनट करना है। आप ये अशोक जी थोड़ा कपड़ा पहन लो, हाँ, सिर ढक के कान ढक करके और ये जैकेट बंद कर लो, अभी मेरी होड़ मत करना। स्वामी जी जो जल लेती है या सूत्र लेती है, खांसी नहीं आ रही है, नहीं तो इसको ये किस तरह से आंखों को फायदा पहुंचाते हैं स्वामी जी? जल लेती सूत्र लेती दोनों दिखा रहे हैं हम यहाँ जी। नाक से डाला, मुंह से निकाला, और जल लेती में नाक से डाला एक से दूसरे से पानी निकालता, और अक्षी तर्पण में त्रिफले के पानी से आंख को वाश करते हैं। लेकिन तो सारे जल नीति और सूत्र नीति फायदा कैसे पहुंचाते हैं? आंख को त्रिफले के पानी से ऐसे ही, अब वो ही बता रहे हैं। देखो, एक तो ये जो योगासन प्राणायाम आदि करते हैं, ये तो अंदर से ब्लड के सर्कुलेशन को, हमारे रेटिना को, कॉर्निया को, सबको हम अंदर से स्ट्रेंथन करते हैं। जल नीति सूत्र नीति का सीधा असर आंख पर होता है, तो आंख के अंदर जो पित्त दोष होता है, कफ दोष होता है, वात दोष होता है, उसकी निवृत्ति करते हैं। आंखों की जो नाड़ियाँ होती है, नस नाड़ियाँ होती है, नाड़ी तंत्र होता है आंखों का, उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं जल नीति सूत्र नीति से। जिनको वात पित्त और कफ दोष बड़ा होता है, उसकी निवृत्ति करते हैं जल नीति सूत्र नीति, और ये जो आई वास करते हैं त्रिफला के पानी से, और ये आंखों के जितने भी दोष हैं उनको दूर करने के लिए आंखों को पोषण देते हैं अक्षी तर्पण से। तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं एक साथ, ये एक एक प्रक्रिया को लोग सीखने के लिए वर्षों लगा देते हैं जी स्वामी जी, और इसके रहस्य भी बता के नहीं देते हैं। डायबिटीज के कारण से किसी को फ्रोजन शोल्डर भी हो जाए तो गोमुखासन भी कर ले जी स्वामी जी। स्वामी जी, डायबिटीज के लिए मुख्य आसन अब हम बता दे रहे हैं जी। ये हाई बीपी की वजह से कई बार आंखों में लाल स्पॉट आ जाता है, क्या वो नुकसानदेह है या उसे ठीक किया जा सकता है? 100% अनुलोम विलोम से वो ठीक होता है। आंखों के अंदर अल्सर भी हो जाता है। अच्छा, लखनऊ की एक बहन है रेणु जी, और उनको आंखों में अल्सर हो गया, उन्होंने लगातार एक एक घंटा किया, आंखों का अल्सर तक ठीक कर लिया, आंखों का अल्सर। या मैं जो उन्होंने बेनिफिट पाया वो हुई हुई बात बता रहा हूँ आपको। गोमुखासन और ये मयूरासन भी ऐसे तो बहुत जबरदस्त लाभ करता है डायबिटीज में, जो कर सके, जो हमारे बच्चे कर रहे हैं, बाकी जो ना कर सके मंडूकासन, योग मुद्रासन ही कर ले, उससे फायदा हो जाएगा। अब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन बताएंगे। तो ये जल लेती से, अनुलोम विलोम से, अक्षी तर्पण से आंखों का अल्सर और जो आप रेड स्पॉट बोल रहे हैं अंदर आ जाते हैं, आंखें बहुत बुरी हालत हो जाती है, ये पूरी चीजें ठीक होती है। तो ये तो कठिन आसनों का दौर भी चल रहा है, सरल आसन भी करा रहे हैं एक साथ, पवन मुक्तासन। ये डायबिटीज के कारण से आंखें कमजोर होती है, ज्यादातर लोगों की दृष्टि तक चली जाती है, 35% लोगों को आंखों की सीरियस प्रॉब्लम, और करीब 10% लोगों की तो लगभग दृष्टि चली ही जाती है, 2% लोग तो अंधे तक हो जाते हैं। तो उत्तान पादासन, नौकासन और पवन मुक्तासन भी डायबिटीज के रोगियों को 5-5 मिनट करने और कपालभाति के साथ करने। सारे आसन मंडूकासन से लेकर के यदि 5वें आसन कर लीजिए, मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सब कपालभाति के साथ करें। तो शुगर की वजह से अगर आपको लगता है कि आंखें कमजोर हो रही है, तो ये जो योग जो दिखा रहे हैं स्वामी जी, इससे आप अपने आंखों को ठीक रख सकते हैं, साथ ही साथ शुगर भी आपका कम रहेगा। स्वामी जी, कई बार तो ऐसा होता है कि हम जो बड़े स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा देते हैं, जो करना चाहे स्वामी जी, स्क्रीन टाइम की वजह से हमारी आंखें तो कमजोर हो जाती है, या फिर जो बड़े बच्चे हैं उनकी भी हो जाती है आंखें कमजोर, लेकिन कई बार जो नवजात बच्चे होते हैं वो कमजोर नजर के साथ पैदा होते हैं, ऐसा क्यों होता है, या फिर उसका भी कोई उपाय है योग के जरिए? हाँ, उपाय बताते हैं। देखो, अब ये स्पाइनल कोड का अभ्यास बता रहे हैं, वैसे तो भुजंगासन,
हम इसको 5-10 बार से लेकर के और इसको 50 बार 100 बार तक करवाते हैं। इसका भी सीधा असर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर के आंखों तक पड़ता है। ये भी करना चाहिए 10-20 बार। खैर, अगली बात जो आपने बच्चों के लिए पूछी उसके लिए बताता हूँ अभी आप जी। देखो, बच्चों के लिए एक तो बाई बर्थ जो है इसको बीज दोष बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, कि जीन्स में उनके कमजोरी है, तो उसको दूर करने के लिए एक तो ये आँख का ही पॉइंट दबाएं, एक्यूप्रेशर का पॉइंट, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये आँखों का पॉइंट दबाएं, बच्चों को अनुलोम विलोम कराएं, बच्चों को गाजर का जूस, आज हम यहाँ पर गाजर, चुकंदर और आंवला इसका जूस भी बनाने वाले हैं, उसका प्रिपरेशन हमने पूरा तैयार कर रखा है जी। गाजर, आंवला, चुकंदर का जूस आज सबको मिलेगा जिनके आंखें कमजोर हैं उनको। और इसके साथ साथ गाजर का अभी हलवा भी बनेगा। ये गाजर का हलवा भाई, देखो गाजर के ये दूध जो उबलता हुआ है ना, इसके अंदर गाजर डाल दो। देखो ये उबलते हुए दूध के अंदर ये गाजर डाल दी जा रही है, तो गाजर डाल करके और इसको पका करके लोग क्या करते हैं, इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी नहीं डालना इसमें, या तो गुड़ शक्कर डालना या थोड़ा सा शहद डालना, तो ये व्यंजन भी साथ साथ तैयार होंगे। अब एक साथ तो तैयार नहीं होगा, इसलिए आज पहले से प्रिपरेशन तैयार करवा दे रहे हैं। इसमें वैसे मीनाक्षी भी बड़ी एक्सपर्ट है पाक शास्त्र में, वैसे तो योग शास्त्र में भी पूरी निष्णात हो गई है। तो दोनों हाथों में आग का एक पॉइंट दबाएं, अनुलोम विलोम करें और बच्चों से जितना कर पाए, बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, बच्चे तो देखो ये भी कर लेते हैं। अब देखो जी स्वामी, ये पूर्ण स्वामी जी, एक और बच्चे का ही बच्चे से जुड़ा सवाल है, तो बच्चों को ऐसे आसन करवाएं। स्वामी जी, संदीप मलिक का एक सवाल है कि उनकी जो भांजी है काव्या 10 साल की है और बचपन से ही जो काव्या उसकी जो नजर कमजोर है, अब धूप में जब वो जाती है तो आंखों से पानी निकलने लगता है, खुजली होती है, लाल हो जाता है, तो क्या उपाय है उसके लिए? एक तो सौम्य आई ड्रॉप है, ये सौम्य आई ड्रॉप जो है मेरे पास लेकर के आना। देखो अभी मैं डाल के बताता हूँ, छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लगता। चलो वापस आ जाओ बेटा, जैसे अभी आसन ही कर रहे थे हा? तो ये एक तो तेज वाला है, वो तो हम बता करके घर में ही दिखाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अभी इधर जो है एक दीपक बैठा है, ये भी लड़का सुपर इंटेलिजेंट है, सुपर जीनियस है इसका। लेकिन ये देखो, ये एक तो दृष्टि है, ये तो तेज वाली है, एक ये सौम्य है, लेटो और बाकी आसन कर बैठो। इसको दीपक को देना भाई माई, ये इतना जबरदस्त है ये सौम्य, छोटे बच्चों को भी डाल सकते हैं। ये हमने नई दवाई बनाई है, पहले तो दृष्टि थी, जो आज भी हम बताएंगे दृष्टि के बारे में, तो ये दृष्टि तो बहुत पुरानी औषधि है हमारी। अब इसको सौम्य को क्या करें, ये सौम्य जो आईड्रॉप है इसको ऐसे आंखों में बच्चों को भी डाल सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे तो आराम से बच्चों को 2-3 से लेके 5 ड्रॉप तक इसकी डाली जा सकती है। और बच्चों को जो जन्मजात आंखें वीक होती है उनको भी हम ठीक कर सकते हैं। चलो वापस आ जाओ, ये तो जबरदस्त आसन कर, ओंकार आसन भी कर दो, ओंकार आसन। देखो स्वामी जी, आंखों की जो ड्राइनेस होती है उसके लिए भी बात है, बहुत खूब स्वामी जी। जो छोटे बड़े हो सबको ना एक सेकंड के अंदर कर देते हैं बच्चे, इतना बैलेंस है इनका जी स्वामी। पढ़ाई में भी उतने ही शार्प है ये जितने योग में है। ऐसी तो पीढ़ी बनानी है स्वामी जी हमें। एक सवाल जो है ये भानु राजपाल मोटवानी जी का है, उनकी बहन 8 साल की उम्र से ही डायबिटीज से परेशान है और अब वो 32 साल की हो गई है। आंख से उनके ब्लड निकलता है और ब्लैकआउट भी हो जाता है, ये ब्लड आने वाली समस्या तो स्वामी जी हम दोनों ने शायद पहली बार सुनी होगी। ये अनुलोम विलोम और उसके साथ साथ उनको क्या करना है, कपाल भाती अनुलोम विलोम तो हम बताते रहते हैं, उनको आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम, मोती पिष्टि 4 ग्राम और रसराज रस 2 ग्राम देना है। तो उनके जो आंखों के अंदर के नसें हैं वो ताकतवर हो जाएगी।
और जो ब्लड का लीकेज होता है वो बंद हो जाएगा। तो 200 ग्राम अमल के रसायन लेना है, 20 ग्राम सप्तामृत लो, 10 ग्राम मुक्ताक्षिप्ति, 4 ग्राम मोती पृष्टि, रसराज रस 2 ग्राम, ये सुबह शाम उनको 2-2 ग्राम बच्चे को पानी में घोल करके पिला दे। थोड़ा उसमें शहद भी मिला के पिला सकते हैं, थोड़ा आंवला खट्टा होता है तो बच्चों को पीने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये प्राणायाम करवा दे और साथ ही साथ ये सौम्य दृष्टि आई ड्रॉप और उसको महा त्रिफला घृत 1-1 चम्मच, छोटा बच्चा है तो 2-2 आधी आधी चम्मच, थोड़ा दूध में घोल करके थोड़ा उसमें हनी मिला करके पिला दे। और अगर ये करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम 100% अच्छी हो जाएंगे, निर्दोष है जी। और अगर उम्र 30-32 साल की हो तो ये क्वांटिटी कितनी हो जानी चाहिए? फिर ये 1-1 चम्मच तो या छोटे बच्चे को आधी आधी चम्मच, बड़े को 1-1 चम्मच 3 बार, और उसको महा त्रिफला घृत जो है वो भी 1-1 चम्मच वो जो है दूध में डाल करके ले ले। और साथ ही में ये बड़े को तो अक्षय तर्पण भी आराम से हो जाता है, छोटे बच्चे अक्षय तर्पण नहीं कर सकते तो अपने घर में भी अक्षय तर्पण कर सकते हैं। ये छोड़ दीजिए बात, भूल जाइए। कैसे पहले लोग कहते थे योगियों को, ऋषिमुनियों को, कंदराओं गुफाओं में रहने वालों को योग करना, मैं तो कहते जो योग करेगा वो योगी हो जाएगा। अपने घर में अक्षय तर्पण कीजिए, अपने घर में जननेति सूत्र नेति कीजिए जो बताया गया था आपको, अपने घर में चीजें कर सकते हैं। स्वामी जी एक और सवाल आ गया दर्शक का, दीपक का भी दीपक बुझने वाला था ये उसका सवाल ले लेते फिर इसका एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है मेरे पास। 40 साल में इसको हार्ट अटैक हुआ था, फिर क्या हुआ था चेरे को? हाँ स्वामी जी, मेरे को स्वामी जी प्रणाम, मैं दीपक मेरठ से आया हूँ। स्वामी जी पहले मेरे को डायबिटीज हुआ, ओहो, आज से 10 साल पहले 11 साल पहले। उसके बाद में फिर मेरी आंखें थोड़ा कम देखने लगी थी। और हार्ट अटैक कब हुआ था? और हार्ट अटैक मेरे को अगस्त 2020 में हुआ। माने 10 साल पहले डायबिटीज, फिर हार्ट अटैक, आंखों की कमजोरी। लेकिन जब से मैं स्वामी जी, जब से हार्ट अटैक हुआ, जब से मैं इंडिया टीवी का प्रोग्राम प्रतिदिन देखता हूँ, और मीनाक्षी जी का और ज्योत्सना जी का मैं जबरदस्त फैन हूँ। फैन हो गया जी। और इन दोनों ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है, उसके चलते आज मैं योग ग्राम में आया हूँ। और योग ग्राम में आने के बाद मुझे मेरी शुगर लेवल जो है वो 92 आ गया है, 92, जो कि 250 रहता था। और आंखों की जो रोशनी है वो उन्हीं आंखों में जो मुझे थोड़ा धुंधला दिखता था वो अब क्लियर दिख रहा है। क्या बात है, धुंधलापन दूर हो गया। 40 साल में इसको बहुत प्रॉब्लम हुई है मीनाक्षी जी, इसलिए मैंने कहा दीपक की रोशनी लौट आई है। और तेरे को क्या लौटा बेटा, खड़े हो जा। मुझे मेरा नाम अर्पित है और मैं 27 ईयर्स का हूँ। मुझे छोटे में 1 साल की उम्र में गमले का कोना लग गया था लेफ्ट आई में, तो उसके बाद से आँख में ऑप्टिक एट्रोपी हो गया, जिसका मतलब है कि आपकी नस जो है, आँख की नस वो डेड हो गई है। मतलब जैसे एक मरे इंसान की डेड होती है वैसे डेड हो गई है। तो अभी यहाँ पे अक्षय तर्पण हुआ है 3 बार, अभी क्लियरिटी हो गई है आईज में। क्या बात है, पर अभी मेहनत बहुत करनी होगी इसके लिए। बचपन की समस्या, 3 बार अक्षय तर्पण से इसमें बेनिफिट होना शुरू हो गया। मैंने शंकर नेत्रालय, एलजी प्रसाद जी, सब जगह सबने बोला इसका कोई इलाज नहीं है, मे बी 10 साल बाद स्टैंप। चलो ले लो सवाल, ले लो छोटा सा सवाल, अमित मैं एक जोड़ना चाह रही हूं। ऐसे से देखो जवान बच्चे योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी अक्षय तर्पण की तरफ लौट रहे हैं। अब वो त्राटक भी करते हो? त्राटक भी करता है। कुछ पूछ रहे थे आप मीनाक्षी जी? जी जी, मैं ये चोट लगने से जुड़ा हुआ, आप लोग पूछ रहे हैं। हां, एक चोट लगने से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा कि जैसे कई बार होता है कि अखबार पलटते हुए उसका किनारा लग गया, या किसी के नाखून आंख में लग जाता है, या पेड़ पौधों की गार्डनिंग का शौक जिन्हें होता है, कई बार पत्ता आंख में लग जाता है, तो चोट जो अगर लग जाए तो उसका इंस्टेंट इलाज किस तरीके से किया जाए? एक तो गुलाब जल डाल लें, गुलाब जल अक्सर लोगों के घरों में होता है, नहीं तो सौम्य दृष्टि ऐसे रखे। देखो अभी मैं इससे कुछ नहीं दिक्कत, ऐसे डाल सकते खुद ही ऐसे। ठीक स्वामी जी। और इस जरा ऐसा भी नहीं लगती। अब जैसे मैं आप आंखें खोल के बात कर रहा हूँ, कोई इसमें झंझनाहट नहीं होती है। एलोवेरा जो है उसको, एलोवेरा को लेकर के यदि किसी के घर में एलोवेरा हो
तो एलोवेरा का पल्प जो है वो आंखों पर लगा ले, खीरा आंखों पर लगा ले। एलोवेरा घाव को भी हील करता है, तो एलोवेरा लगा ले, जो है गुलाब जल डाल ले, और जो सौंफ और जो मुलेठी होती है वो भी घाव को हील कर देती है। तो मुलेठी को उबाल के, सौंफ को उबाल करके, उसका उसका जो पानी हो उसको कपड़े में छान करके, नितार करके, अथवा त्रिफले के पानी से आंखों को धो ले तो इंस्टेंट रिलीफ हो जाता है। पॉइंट थोड़ा दबा ले, अनुलोम विलोम कर ले, ठंडे पानी से आंखों को धो ले, तो इतनी चीजें करने से कई उपाय बता दिए जी। बिल्कुल स्वामी जी, एक दर्शक है हमारे जो अभी कार्यक्रम देख रहे हैं, कार्तिक शरण, उन्होंने एक सवाल भेजा है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस का इलाज क्या है, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे आपके साथ जो वहां पर एक बैठे हुए हैं युवा। ऑप्टिक नर्व में सूजन है, और इसके साथ ही पूछ रहे हैं कि जो 66 साल जिनकी उम्र है क्या वो शीर्षासन कर सकते हैं, और स्वामी जी क्या ये जो बीमारी है इसका जो इलाज है, तो हमने सुना है कि कई हॉस्पिटल्स पे भी नहीं होता है, बड़े बड़े जो डॉक्टर्स है वो भी इसका इलाज नहीं कर पाते हैं, रिसर्च सेंटर के पास भी नहीं है ऑप्टिक न्यूराइटिस की। ऑप्टिक न्यूराइटिस का जो इलाज है ये अनुलोम विलोम जो बता रहा था ना लड़का, जी हाँ, उसने 3-3 घंटे किया, ये अनुलोम विलोम हम आधा आधा घंटे से लेकर के एक एक घंटा करवा देते हैं। चलो सब बच्चे अनुलोम विलोम करो आज, और तुमने भी किसी ने अपना चश्मा हटाया है? वैसे तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और जिसने चश्मा हटाए खड़े हो जाओ बच्चे, एक बार इसके लिए भी ताली बजाओ, 1 2 3, 3 ने चश्मा हटा लिया, यहाँ पर भी मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पर भी बेनिफिट बैठे हुए तो, और जो है इनको कितने कितने नंबर का चश्मा था, इधर आ जाओ। ऑप्टिक नर्व की माने किसी भी तरह की आंख की समस्या है ना, जो आज बताया गया है पूरा इंडिया टीवी पर प्रोग्राम, ये रामबाण है, अभी खान पान सेवा और बताएंगे, योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र और चलेगा। कितने नंबर का चश्मा था, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, 2.5 का, क्या नाम है, सिद्धार्थ, चलो भाई अभिनंदन कर दो सिद्धार्थ का, चलो आगे जाओ। आपको कितना था, मेरा घर पे 4 का था, फिर मैं 4 नंबर का, फिर घर पे मैं योग करता था पहले से ही, फिर जब यहाँ पर आके चेक कराया तो 2.5 निकला, क्योंकि घर पे दृष्टि भी डालता था, दृष्टि डालता था तेज वाली, वो बताएंगे अभी, और अब यहाँ करके पूरा उतार दिया, घर पर 4 से 2 किया और 2 यहाँ उतार दिया, क्या नाम है, चंदन, चंदन के लिए भी तालियां हो जाए, जोरदार काम कर लिया इसने भी, और आपको 1.5 का, तो यही आके उतार लिया जी। तो अनुलोम विलोम और क्या किया, अनुलोम विलोम किया और कुछ ऐसी दवाई लेता, ये दवाई जो देते आंवली की, चलो क्या नाम है, मधुकर, मधुकर कहाँ से हो, हरियाणा, हरियाणा से, चलो तो ये अनुलोम विलोम और ये सब करके कोई भी दिक्कत है, अब ये बातें छोटी छोटी है जी, लेकिन जबरदस्त, मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ, जो होता है वही कहता हूँ, और जो दुनिया में नहीं होता कहीं पर भी, किसी भी कोई डॉक्टर कोई हॉस्पिटल कोई सारे साइंटिस्ट जहाँ फेल हो जाते हैं वहां योग, वहां से योग शुरू होता है, ये योग साइंस ही सुपर साइंस है। स्वामी जी अभी बच्चे जो बता रहे थे कि उनकी आंखों के चश्मा हट गया, उसी तरह से इन दिनों हम देख रहे हैं कि पिछले 8 महीने से जो बच्चे हैं ऑनलाइन वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो कई कई घंटे वो स्क्रीन टाइम देना पड़ता है, तो ऐसे में अगर उनको जो ब्रेक मिलता है बीच में तो इंस्टेंट अगर आंखों को रिलैक्स करना है तो कौन से 2 उपाय हैं या फिर योग है। जब भी वो पढ़ाई कर रहे हैं तो एक खाने के बाद कभी भी कर सकते हैं, उठते बैठते सोते सोने से पहले जागते ही कभी भी अनुलोम विलोम, तो अभी आप भी कर लीजिए, एंकरिंग करते करते भी कर लीजिए आप, अमित जी आप भी कर लो आप बड़े अच्छे हो लेकिन आप अभी एंकरिंग करते करते भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। एक दूसरा आंखों की ये एक्सरसाइज, दूसरी आंखों को ऐसे गोल गोल घुमाना, देखो नीचे देखा फिर साइड में देखा, मेरी आंखों पर फोकस करना भाई, फिर ऊपर की ओर देखा, फिर बाईं ओर देखा, अब बाईं ओर जो है गाजर का हलवा पकता हुआ दिख रहा है मुझे और मुंह में पानी आ गया, जूस तैयार हो रहा है अभी, उसकी तैयारी चल रही है, अब नीचे की तरफ देखा, अब दाईं तरफ भी बढ़िया आसन कर रहे बच्चे, अब ऊपर की तरफ देखा, आज भगवान जी ने खूब कृपा बरसाई है, तो ऐसे गोल गोल आंखों को घुमाते रहे ऐसे,
और सारी दुनिया भी दिख जाएगी और अपनी भीतर की दृष्टि। देखो योग से दो चीजें अच्छी होती हैं, हमारी नजर और हमारा नजरिया, ये अच्छे हो जाते हैं। तो ये अनुलोम विलोम और ये आंखों का ये अभ्यास, और साथ में ये भ्रामरी उद्गीत भी, कहीं ब्रेक मिले तो ओम, ये सब कर सकते हैं। स्वामी जी आपने नजरिया का जिक्र किया, ले लीजिए फिर खान पान सेवा शुरू होने वाली है। बिल्कुल स्वामी जी, आप उसी तरफ ही मेरा नजरिया जा रहा है, नजर भी जा रही है। जो आपने कहा था गाजर और जो जूस होते हैं उसकी रेसिपी के जरिए किस तरह से आंखों की रोशनी बढ़ सकती है। हाँ उधर ही आ रहे हैं आप, उसी सेवा की तरफ जा रहे हैं और ये तैयार हो रहा है। देखो ये गाजर का एक कार्यक्रम तैयार हो गया है और हमारे ये गाजर का हलवा खिला के, हमने कहा था हम अंडरवेट्स को भी अच्छा करते हैं, तो हमारे जो गुरुकुल के आचार्य हैं जी ईशदेव जी और हमारे एक दूसरे आचार्य हैं नारायण देव जी, तो हमारे प्राचार्य ईशदेव जी इधर आओ। ये पहले बड़े दुबले पतले दिखते थे, तो मैंने इनको कहा 100-100 बार सूर्य नमस्कार करो और 500-500 बार डिप्स लगाओ। वाह। तो इन्होंने ये सब किया और अब तो इनको फार्मूला हाथ लग गया, इन्होंने 12 किलो वजन बढ़ा लिया। इतने तगड़े कभी नहीं थे, एक बार इनके लिए भी ताली बजा लो भाई। और फिर खाते क्या हो? खाने में सामान्य भोजन, फिर कभी कभी केले खजूर, केले खजूर और दूध, एक लीटर दूध, एक लीटर दूध और खजूर कितना? खजूर 5-7 कभी 10 बस। हाँ और केला 5 सप्ताह में 2-3 बार, कभी 5 कभी 6 बार बस, इतना ही। तो इतना करके 12 किलो वजन बढ़ा लिया। वाह। तो ये कार्यक्रम है, ये तो है आंख के लिए। अब देखो एक आंख के लिए जूस बनाओ इधर, ये गाजर आंवला, ये देखो ये आंवला है, ये आंवला और इसमें ये गाजर और चुकंदर, इसका तो जूस बनेगा। और इधर मैं एक दवाई बता रहा हूं जी, ये देखो ये अदरक का रस है, ये अदरक का रस, ये नींबू का रस, ये सफेद प्याज का रस, ये प्याज का रस, ऐसे ये सब एक एक चम्मच लेकर के, एक एक चम्मच ये रस और इसके अंदर 3 चम्मच फिर शहद डाल देंगे। ये कोई भी अपने घर पे बना सकता है, लोग कोई फार्मूला बता के राजी नहीं होते और हम छिपाना नहीं चाहते हैं। बस ये प्योर धानी है पतंजलि का, जो कोई भी बाजार से ला सकता है। ये 3 चम्मच ऐसे शहद डाल दें और इससे ये तैयार हो जाता है फिर जो है आँख का की दवा, जिसको हम दृष्टि बोलते हैं। बस इसको घोल करके और फिर इसको फ्रिज में रख लें, 3 महीने तक ये खराब नहीं होती है। और दृष्टि आपको आज क्योंकि ठंड बहुत है इसलिए थोड़ा सा सारी चीज़ें ठंडी ठंडी हो रखी हैं, लेकिन ये तैयार हो गई है। देखो ये फर्स्ट क्लास आई ड्रॉप तैयार हो गई। एक अदरक का रस 1 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, सफ़ेद प्याज का रस 1 चम्मच, इधर जूस भी तैयार हो गया है। और जिसको सर्दी जुकाम हो तो इसमें थोड़ा सा ये जिंजर भी मिला दे। तो ABCDG माने हम आंवले से लेकर के आंवला, गाजर, चुकंदर और अदरक, इसका जिंजर, इसका जूस पिलाते, ABCDG ये जूस पिलाते। ये जूस अब कौन पिएगा जिसकी आंखें कमजोर हैं? ये जूस भी तैयार हो गया और ये हलवा खिलाएंगे ब्रह्मचारियों को। तो इसमें आप ये हनी डाल सकते हैं तैयार होने के बाद जी। और इसके अंदर आप जो है ये डाल सकते हैं ये मधुरम, ये नेचुरल शुगर है, तो आपको चीनी नहीं डालनी, हम लोग चीनी के थोड़े विरोधी हैं जो भी केमिकल वाली चीजें हैं। तो आज का ये कार्यक्रम तैयार हो गया। महात्रिफलाघ्रित हमने पहले ही बता दिया था, वो सब औषधियाँ जो अमल के रसायन से लेकर के सब यहाँ पर हैं। और हाँ ये महात्रिफलाघ्रित के साथ साथ ये देखो आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, ये जो है आंवले की कैंडी, ये तो आंवले की कैंडी ऐसी है, मुरब्बा खाने में यानी आंवला किसी भी फॉर्म में हम खा लें। दो तरह की कैंडी है, एक नमकीन है ये जी स्वामी जी। हाँ
तो वहां पर जो एक है ये जो है सूखी वाली जी, तो आंवला मतलब अगर सेवन करें किसी भी फॉर्म में तो आपकी खा ले जी, तो आंखों के लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।